लाइफलाइन नर्सिंग होम एवं जर्नल हॉस्पिटल प्राइवेट व जर्नल वार्ड एवं एम्बुलेंस सुविधा प्रत्येक शुक्रवार शनिवार व रविवार को स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सुविधा। हमारा पता है विद्या विहार कॉलोनी के बाजू में सहजपुर तेराहा देवरी। कहते हैं जल जोरू और जमीन ही फसाद की जड़ होती है। इस जमाने में जमीन के विवाद इतने हैं कि सरकार हैरान है। सरकारी जमीनों पर बेजा कब्जे हो रहे हैं। तहसीलदार से लेकर कलेक्टर इस वजह से खामोश हैं कि उन पर सियासत का दबाव है। ऐसी एक खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के सुरखी विधानसभा के बिलहरा गाँव से जुड़ी है, जहाँ रसूखों के साथ शासकीय पट्टेधारियों ने लगानी जमीनों के साथ सड़क ही हड़प ली। कई सालों से यहाँ एक सड़क गुजरती थी, जिस पर या तो मकान बन गए या लोगों ने इसको कब्जे में ले लिया। बिलहरा गांव के हरदौल मंदिर से गोपीलाल पटेल तक की एक लंबी चौड़ी सड़क पर रसूखों और पट्टेदारों ने, इतना ही नहीं यह रास्ता तालाब तक जाता था तो तालाब के आजू बाजू घाटों पर भी रसूखों ने कब्जा कर लिया। कुछ लोग परेशान है क्योंकि उनकी निजी जमीनों पर पट्टेदारों ने कब्जा जमा लिया। कुछ महीनों पहले जब प्रशासन ने कार्रवाई करनी चाहिए तो कुछ महिलाओं को जमीन हड़पने वालों ने आगे कर दिया और आरआई और पटवारी को इस भीड़ ने खदेड़ दिया। हम राज्य प्रशासन से ही कहते हैं कि हमारी मांगे कृपया करके पूरी करें, और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सब एकजुट होकर आंदोलन शुरू करेंगे। ये पानी भीतर चला जाता है आपके? हाँ, हमारे घरों में पानी आ जाता है। हम लोग ऐसे हैं, 10-12 घर के लोग ऐसे हैं कि जो वहाँ पे बहुत से सुअर भी फिरते हैं। हमारे यहाँ कोई सुनाया नहीं है और केवल वोट लिए वोट खिलाने भरा हुआ था। सरपंच बनने हुए तो वहाँ वोट हाथ जोड़ गए फिर नहीं सुने। रास्ते बंद हो गए और नीचे रास्ता है कि पानी निकल गए घूम वो फर्शी में गड़ गई। अब बाहर रास्ता बंद ही कर दी पानी के लाने। एक ही रास्ता है वहाँ से जाने की? अब रास्ता तो इधर पे है, अभी फर्शी गाड़ दी बंद कर दी तो अब बार पानी के लाने रास्ता थी। सोच रहे थे कि तभी हो जाए रास्ता, अब तो अभी फर्शी गड़ लगी। आने जाने का एक ही वो एक ही रास्ता है। अच्छा, बाकी नहीं? बाकी नहीं, बाकी एक और था तो वहाँ के लोगों ने कब्जा करके मकान बना लिया तो वो रास्ता बंद हो गया। अब एक ही रास्ता बचा है। समस्या कब से? परेशान करीब करीब 10 साल हो गए। आपने इससे पहले कभी किसी विभाग या विभागीय अधिकारी को शिकायतें की हैं? शिकायत की थी। क्या हुआ उसमें? उसमें कुछ नहीं हुआ। कई बार हवाई जन के मोहल्ला को न मिलकर हाँ तो पटवारी बोले यहाँ दो, फिर चौकी में दिए थे, पटवारी आने जाके भी दिए थे। इस गांव की महंगी से महंगी जमीनों पर रसूखों के कब्जे हैं, लेकिन प्रशासन सुनता ही नहीं। कुछ गरीबों की जमीनों पर यहाँ के रंगदार परिवारों के कब्जे हैं, जो बार बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन राजनीति के चलते ऐसे परिवार डंडे और हथियारों के साथ परिवारों की बाहुल्यता पर यहाँ रंगदारी जमाए बैठे हैं। प्रशासन से गुजारिश है कि वो जमीन का सीमांकन कर सड़क को माफियों से आजाद कराए, नहीं तो आने वाले समय पर हर सड़क पर लोग कब्जा करेंगे और यही कहेंगे कि पहले वो सड़क आजाद कराओ जिस पर नाजायज कब्जा है, फिर हम सड़क पर कब्जा छोड़ेंगे। यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि कहते हैं कि हमने प्रतिवेदन भेजा है लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। मेरे को जानकारी है आगे जो रोड है मेरे कार्यकाल के पहले अतिक्रमण रोड पर हुआ है और अभी भी अतिक्रमण हो रहा है। जो हमारे ऊपर अधिकारी है उनको मैंने अवगत कराया और हमारे यहाँ पटवारी आरआई आए सीमांकन करने के लिए तो उनको मोहल्ले वालों ने गाली गलौज और बदतमीजी की तो वो लोग चले गए यहाँ से। फिलहाल एक गली, एक सड़क और एक तालाब पर कब्जा ठोके रसूखों को सागर एक्सप्रेस न्यूज आगाह करता है कि दलित वर्ग की ओट में कुछ खानदानी जमीन माफिया सरकारी जमीनों को हड़प कर रहे हैं और सीधे सीधे सड़कों को लील रहे हैं, उन्हें निगल रहे
ऐसे जमीन माफिया रूपी असगरों को अब सागर एक्सप्रेस न्यूज उस जमीन से अलग करवाएगा। साथ ही प्रशासन को ये चेताएगा कि अगर कानून कहता है कि सास की जमीन पर जिसका कब्जा हो उसका अतिक्रमण करें, नहीं तो सागर जिले में कोई अतिक्रमण की कार्रवाई ना करें। पहले इस जमीन और सड़क को आजाद कराएं, जहां गरीब से गरीब आदमी परेशान है लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। भूपेंद्र शर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सुर्खी।